क्वालिफाइड नहीं डिक्लेयर करे, मेरिट में छात्र पास करे। बिहार एसटीईटी 2019 का पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद अब सरकार की नजर में खत्म हो चुका है। सरकार ने सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जिनकी संख्या 80,000 से ज्यादा है उनके नंबर सार्वजनिक किए हैं और ये कहा है कि आने वाली जो भी बहाली प्रक्रिया होगी उसमें सभी लोग पात्र होंगे। मंत्री जी, आपने 80,000 की लिस्ट जारी कर दी है और ये कहा है कि अब सब एग्जाम में बैठ पाएंगे, लेकिन जो मेरिट में कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये तो विज्ञापन की शर्तों का खुला उल्लंघन है, जब सरकार ने खुद कहा था कि जितनी वैकेंसी है उतने ही लोग पास किए जाएंगे, तो फिर ऐसा क्यों किया? नहीं, ये हमेशा समझ लीजिए कि ये पात्रता परीक्षा है, ये कोई नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। जी, इस परीक्षा में पास किए बस नियुक्ति हो गई, ये आपको पात्रता देता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि नियुक्ति की प्रक्रिया नियोजन इकाई वार होती है और हर नियोजन इकाई विज्ञापन निकालेगी सातवें चरण में, और उसमें जो सफल योग्य अभ्यर्थी हैं ये लोग उसमें आवेदन करेंगे। और जिस मेधा सूची या मेरिट लिस्ट की बात हो रही है कि वो मेरिट लिस्ट तो वहां बनेगा ना, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि उसका नाम ही है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन जो आपने विज्ञापन जारी किया उसमें आपने साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ये बिहार सरकार का विज्ञापन है। सर, विज्ञापन में ये भी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जिनको क्वालिफाई करने का मार्क्स आ गया तो हम उनको क्वालिफाइड नहीं डिक्लेयर करें। मेरिट लिस्ट तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमने उसी विज्ञापन में ये भी कहा है कि जिनको इतना प्रतिशत, सामान्य के लिए 50 और रिजर्व के लिए 45% मार्क्स है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, तो जिनको इतना मार्क्स आ गया तो हम उनको क्वालिफाई डिक्लेयर नहीं करें, जब सरकार के विज्ञापन में ही ये भी बात है, तो वो क्वालिफाइड है। और जो क्वालिफाइड है, और आप अभी तो ये तो 19 की बात है, ये तो 19 की बात है, अभी तो 2011 के जो पास है सरकार, केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक उनकी भी पात्रता बन गई, तो इसमें तो वैकेंसी के बराबर तो लिस्ट वहां बनता है ना जहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, यहां तो पात्रता की प्रक्रिया है, इसलिए ये फर्क हमेशा समझा जाए। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने बिहार बोर्ड को ये लेटर लिखा था 30 सितंबर 2019 को, और उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि इस क्रम में यह भी सूचित करना है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक प्रक्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए। इसका मतलब साफ है कि जितनी 37,000 वैकेंसी थी उतने लोगों को ही आपको पास कराना था। सर, आपने कहा कि ये पात्रता परीक्षा है, मेरिट का इसमें नहीं था, लेकिन ये हाई कोर्ट में बिहार बोर्ड ने ये काउंटर दिया हुआ और इसमें साफ लिखा हुआ है कि दैट एसटीईटी 2019 हैड नॉट बीन अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, रादर इट वाज इज इन द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर। सर, ये सारी बातें तो आपने ही लिखी, आप ये बात दूसरी बार बोल रहे हैं और हम भी आपको वो चीज दूसरी बार बता रहे हैं कि ये तो मेरिट जो है, कोई भी बताइए कि कोई भी परीक्षा होती है उसमें जो अंक आते हैं तो उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है कि नहीं बनता है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है, लेकिन वो मेरिट लिस्ट किस चीज के लिए है? वो पात्रता का मेरिट लिस्ट है ना, नियुक्ति का मेरिट लिस्ट नहीं है, ये फर्क समझना चाहिए। और ये सही है कि उस समय जो कहा गया था, कभी कभी ये अनुमान होता है कि उतने लोग आते, अभी भी बहुत सारे आप देखे होइएगा जो डिटेल हम लोग कोटिवार दिए हैं उसमें से बहुत जगह सीट के मुताबिक लड़के क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, ये भी उस डिटेल में, तो इसलिए वो
चीजें अपनी जगह पर हैं, इसलिए अब किसी को भी, आपको भी, इस मामले को और अकार उलझाने से अच्छा है कि सीधा लड़कों को सही चीज समझ के सही दिशा की तरफ वो चले और इंतजार करें। क्वालिफाइड लड़के हैं, मेरिट वाले लड़के हैं, हम सब लोग, वो बिहार के भविष्य हैं, शिक्षा विभाग के भविष्य हैं। हम उनसे यही कहेंगे कि छठे चरण की नियुक्ति समाप्त होने दें, सातवें चरण की नियुक्ति के लिए नियोजन इकाईवार जो हमारे जिला परिषद हैं, जो हमारे नगर निकाय हैं, वो विज्ञापन जारी करेंगे, वो उसमें आवेदन करें। उस हिसाब से अब ये बताइए कि कोई आदमी नियोजन में कहीं भी मेरिट लिस्ट में है, अगर नियोजन इकाई विज्ञापन निकालती है और वो कहीं अप्लाई नहीं करे तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी? तो फिर सवाल यार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हुआ है कि विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सर एक आखिरी सवाल, विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं किया? आपको सब बात कर दिए सर, जो मेरिट में छात्र पास ठीक है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी और ये कहा कि चूंकि ये पात्रता परीक्षा थी और उम्मीद नहीं की गई थी कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, इसलिए जो रिजल्ट है वो बाद में बढ़ा है और तकरीबन 80,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं अब वो इस परीक्षा में पास हुए हैं और आने वाले सातवें चरण या फिर उसके बाद जो भी बहाली प्रक्रिया होगी उसमें न सिर्फ 2019 STET के पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, बल्कि अब जबकि TET के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो चुकी है तो 2011 के वो कैंडिडेट जिनकी उम्र सीमा आने वाले चरणों के लिए पात्र होगी उन्हें भी आगे मौका। आपको भी इस मामले को और आकार उलझाने से अच्छा है कि सीधा लड़कों को सही चीज समझ के सही दिशा की तरफ वो चले और इंतजार करें। क्वालिफाइड लड़के हैं, मेरिट वाले लड़के हैं, हम सब लोग, वो बिहार के भविष्य हैं, शिक्षा विभाग के भविष्य हैं। हम उनसे यही कहेंगे कि छठे चरण की नियुक्ति समाप्त होने दें, सातवें चरण की नियुक्ति के लिए नियोजन इकाईवार जो हमारे जिला परिषद हैं, जो हमारे नगर निकाय हैं, वो विज्ञापन जारी करेंगे, वो उसमें आवेदन करें। उस हिसाब से अब ये बताइए कि कोई आदमी नियोजन में कहीं भी मेरिट लिस्ट में है, अगर नियोजन इकाई विज्ञापन निकालती है और वो कहीं अप्लाई नहीं करे तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी? तो फिर सवाल यार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हुआ है कि विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सर एक आखिरी सवाल, विज्ञापन में कोई